क्रिकेट के फैंस का जुनून सर चढ़कर बोला। स्टेडियम के कोने कोने से इंडिया इंडिया की गूंज कानों तक सुनाई दे रही थी। मजे की बात ये रही कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े भी इस कड़े मुकाबले का लुत्फ उठाने स्टेडियम में मौजूद थे। भारत के इस कड़े मुकाबले में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे, लेकिन वहाँ कोई और भी था जिस पर सभी की निगाहें रुकी हुई थी। सारे कैमरे सिर्फ इन्हीं पर आकर टिक गए थे, पूरा मीडिया वहाँ इकट्ठा हो चुका था। देखते ही देखते इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज भी उनकी सबसे बड़ी फैन के पास आशीर्वाद लेने जा पहुंचे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला बेहद मजेदार रहा। इंडिया ने बांग्लादेश को 28 रनों से हरा दिया, जिसके बाद ये बुजुर्ग महिला उत्साह से भर गई और उन्होंने साथ बैठे फैंस के साथ मिलकर इंडिया को खूब चीयर भी किया। ये शानदार नजारा था इस वेस्टर्न मैदान का, जहां भारत के साथ बांग्लादेश के कड़े मुकाबले को देखने पहुंची ये बुजुर्ग महिला भारत की बिगेस्ट फैन बनकर निकली। इस उम्र में भी उनका जोश और उनका जज्बा लोगों को दीवाना कर रहा था, और यही वजह थी कि लोग इनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। सुनिए भारत के हर नागरिक को इमोशनल कर देने वाला ये मैसेज। And that time I've been work, so I didn't get time to watch, but always I used to watch in a TV. But from few times, because nowadays I'm not working, I'm retired. I'm 87 years old. So nowadays I got interest and I'm very lucky to get me this chance to watch this cricket. Actually, I have too much proud for my country. I'm not born in India, my parents from India, but I don't know in my blood, you know. So when I see Indian people, I feel inside to say hello also, you know. I'm very, very friendly woman. And in here also I've done a lot of voluntary work. Still I am doing, you know, here. And my two children are here. Now, not they are not here now, but before was here and they used to watch cricket in Surrey County. Not they going to, they used to play cricket in Surrey County. So sometime I used to go with them, you know, to watch that. And from that time I got interest. किसी ने सही कहा है कि age is just a number, और इस बुजुर्ग महिला ने इस बात को साबित कर दिखाया। और अब भारत का अगला मुकाबला है 6 जुलाई को श्रीलंका के साथ। स्टे ट्यून्ड विद फर्स्ट बाइट टीवी।